and welcome back to my channel guys. मैं हूँ डॉक्टर शिखा. दोस्तों मेरी वीडियोस को इतना ज़्यादा पसंद करने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे इतना प्यार और एप्रिसिएशन देने के लिए, आई एम सो वेरी थैंकफुल टू यू गाइज. गाइज मैं आज आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ. मुझे रिसेंटली बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं कि आप मुझे बताइए कि आपकी स्किन इतनी ग्लो कैसे करती है, आपके बाल इतने अच्छे कैसे हैं. तो गाइज मैं आज आपके साथ अपनी एक सीक्रेट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ. गाइज जब हम वेट लूज़ करते हैं तो वेट लूज़ करने के बाद मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो लोग बोलते हैं हमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो गई है, हमारी जो स्किन है वो बहुत एजड लगती है, रिंकल्स आ गए हैं और स्ट्रेच मार्क्स आ गए हैं. तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रही हूँ जो आप अपनी वेट लॉस के साथ साथ ज़रूर यूज़ करिएगा गाइज, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुपर इफेक्ट देती है आपकी स्किन पे, जिससे कि आप वेट लूज़ तो करेंगे मगर आपकी स्किन और आपके बाल हो जाएंगे और भी ज़्यादा अच्छे, और इससे आपका वेट लॉस भी बहुत जल्दी जल्दी होगा, आपकी स्किन और आपके बाल भी सफ़र नहीं करेंगे आपके वेट लॉस के साथ. तो गाइज आज हम बात करेंगे एलोवेरा जूस के बारे में या एलोवेरा ड्रिंक के बारे में, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा कंज्यूम करी है अपने पूरे वेट लॉस के दौरान, जिसने कि मुझे बहुत ज्यादा सुपर इफेक्ट दिया है मेरी स्किन पे, मेरे बालों पे. गाइस जो एलोवेरा होता है ना वो बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज है. ये जब आप एलोवेरा ड्रिंक यूज करेंगे ना गाइस, तो वेट लॉस के बाद आपकी जो स्किन है ना वो बिल्कुल भी जो है डल नहीं होगी, बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी इवन आफ्टर द वेट लॉस, और आपके बाल भी जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे. और अगर लोग आपको ये कॉम्प्लीमेंट ना देना कि आप अपनी एज से 10 साल या 15 साल छोटे लगते हो, तो फिर आप कहना आप अपनी एज से 10 इयर्स 15 इयर्स छोटे लगोगे अगर आप ये चीज़ अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करोगे. तो ये बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब चीज़ है गाइस. एलोवेरा एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है, ये बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटिंग चीज़ होती है. अगर आप बेस्ट रहता है अगर आप अपने घर पर एलोवेरा का प्लांट लगा लें और फ्रेश जेल इसका यूज़ करें, बट अगर नहीं पॉसिबल है तो आप मार्केट से भी इसका जो जूस आता है वो आप लेके आ सकते हैं. बस इस चीज का ध्यान रखें कि उसमें कोई एडेड सॉल्ट या एडेड शुगर नहीं होनी चाहिए जब आप उसको कंज्यूम करते हैं. तो गाइज एलोवेरा का जो सबसे ज्यादा बेनिफिट है वो ये है कि ये पूरी बॉडी को आपकी हाइड्रेटेड रखता है. अगर आपकी पूरी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी तो ऑटोमेटिकली ग्लो करेगी, आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी और आपकी स्किन पर रिंकल्स नहीं होंगे, एजिंग नहीं होगी, ब्लैक स्पॉट्स नहीं होंगे, आपके स्ट्रेच मार्क्स के लिए भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, आपकी पूरी स्किन जो है वो मॉइस्ट रहेगी और हाइड्रेटेड रहेगी. तो इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है. इसमें जो एलोवेरा है इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं, जिसकी वजह से अगर किसी की स्किन पे एक्ने की प्रॉब्लम है तो वो भी इससे ठीक हो जाती है. यानी कि बेसिकली ये स्किन और बालों के लिए बिल्कुल कमाल की चीज है गाइस. और दूसरी चीज ये एक बहुत अच्छा लैक्सेटिव है. तो जब आप इसको पीते हो, जब आप इसको कंज्यूम करते हो, तो ये आपके पूरे सिस्टम को, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है. आप बहुत अच्छे से मोशन पास करते हैं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं रहती. अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप इसको यूज़ करना शुरू करिए और फिर देखिए कि ये क्या कमाल इफेक्ट देता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे. गाइज एलोवेरा जो है वो डायबिटीज़ टाइप 2 के केसेस के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है. जिन केसेस में जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, अगर वो डेली इसको कंज्यूम करेंगे तो उनके शुगर लेवल्स को भी ये कंट्रोल में करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है आपकी और एंड व्हाट नॉट गाइस. ये बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब चीज़ है. इसको आप आज ही इसकी रेसिपी देखिए और इसको कंज्यूम करना शुरू करिए. और हाँ, वेट लॉस में तो ये है बहुत ही फैंटास्टिक है गाइस. आपका जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन रहेगा तो आपका वेट लॉस ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से होगा. तो ये वेट लॉस में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है. बस इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप फ्रेश एलोवेरा की लीफ आप यूज कर रहे हैं तो आप जब उसको कट करते हो प्लांट से तो उसके अंदर से एक डार्क कलर्ड का जेल टाइप का, फ्लूइड टाइप का निकलता है, वो थोड़ा सा टॉक्सिक होता है. तो उसको आपको ज़रूर ड्रेन आउट कर देना है, उसको निकाल देना है. तो जब आप लीफ कट करते हो प्लांट से तो आप एलोवेरा की लीफ को किसी बॉक्स में उसको सीधा करके आप रख दीजिए ताकि जो भी उसका टॉक्सिन है वो निकल जाए. थोड़ी देर आप उसको ऐसे करके रखिए और फिर आप उसको यूज़ करिए. तो गाइज मैं आपको बताती हूँ बहुत ईजी तरीके से आप घर में ही कैसे बना सकते हो एलोवेरा जेल, और उसको आप स्टोर भी करके रख सकते हो
हो अपने फ्रिज में 5-6 दिन के लिए और उसको आप डेली यूज कर सकते हो, इसके सारे बेनिफिट्स ले सकते हो। तो देखिए मैं इसको किस तरीके से बनाती हूँ। गाइस सबसे पहले मैंने यहाँ पे एलोवेरा का एक लीफ ले लिया है, उसको मैंने वॉश कर लिया अच्छे से, उसका जो टॉक्सिक पार्ट जो होता है डार्क कलर का जेल वो मैंने निकाल दिया है। अब इसको छील रही हूँ मैं, इसका जो ऊपर का पार्ट है इसको आप पील कर लेंगे, दैट्स इट। अब ये अंदर जेल है, इसको हम स्क्रैप कर लेते हैं एक चॉपिंग बोर्ड पर रख के, नाइफ से मैं इसको स्क्रैप कर रही हूँ। सेम इसी तरीके से पूरी की पूरी लीफ का जो अंदर जेल पार्ट है उसको हम स्क्रैप करके निकाल लेंगे। That's it, ये रेडी है हमारा जेल, पूरा जेल निकाल लिया हमने लीव से। अब मैं यहाँ पे एक ब्लेंडर जार ले रही हूँ, ये जेल मैं जार में डाल रही हूँ। एक ग्लास पानी ले लिया है मैंने यहाँ पे, ये भी डाल देंगे इसमें और इसको ब्लेंड कर देंगे। इसको मैं एक ग्लास जार में ट्रांसफर करके लिड लगा के 4-5 दिन तक फ्रिज में आराम से स्टोर करके रख सकती हूँ। और जब भी मुझे यूज करना है तो मैं इसके अंदर से थोड़ा सा जूस ले लूंगी, इतना। अब इसके अंदर मैं एक ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ, ये ल्यूक वार्म वाटर है, गुनगुना पानी है। बस इसको मिक्स करेंगे और पी लेंगे। आ सुपर डुपर एलोवेरा जूस इज रेडी। तो गाइज आई होप आपको पसंद आया होगा जिस तरीके से मैंने एलोवेरा जेल घर पे बहुत इजीली एंड बहुत क्विकली बनाया है। गाइज मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अगर आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं तो मुझे पता लगता है कि आपको मेरे वीडियोस अच्छी लग रही हैं। अगर आप मेरे वीडियोस पे कमेंट करते हैं तो मुझे पता लगता है कि आपके लिए यूज़फुल हैं, बेनिफिशियल हैं, और ऐसी ही और वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आऊँ। और अगर आप इनको अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करते हैं तो गाइज हम सब बनेंगे हेल्दी एंड फिट, जो कि है बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो गाइज अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे ज़रूर फॉलो करिए, ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, जिसमें मैं लेके आऊँगी आपके लिए ब्राउन राइस की रेसिपी। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके मुझसे पूछा है कि क्या हम जब वेट लॉस कर रहे हैं तो हम ब्राउन राइस यूज़ कर सकते हैं, कैसे बनाना है ब्राउन राइस को, कब खाना है। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए मैं लेकर आऊँगी अपनी अगली वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि ब्राउन राइस हमें कब खाना है, कैसे बनाना है और वेट लॉस में खाना है कि नहीं। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। बाय फॉर नाउ।